Hello everyone. After the topic classification of fiber on the basis of length, here we go with the topic classification of fiber on the basis of source. Fiber, as we read yesterday, that fiber is the fundamental unit of yarns and fabric. Its classification, earlier classification is filament and staple fiber, means lengthwise and short, long length and short fibers. Now we go with the origin, ki ye hume fibers milte kahan se hai. Jise humare purane time mein, in ancient time or older times, hum keh sakte hai ki humare paas cotton, linen, silk, wool, means jo humare naturally occurring fibers hote the, wohi available hote the. But as an increasing in technology or the time goes, man's invention, we invented more new man-made fibers that are also known as artificial fibers. So further, on the basis of source, we got two categories. One is natural fibers and other is man-made fibers. So in natural fibers, we are divided into three types: vegetable, animal and minerals. According to the name given, vegetable fibers, which are given by the nature to us through vegetation, through plants, through trees, like cotton. आप सबने देखा होगा एक white color के जब हम छोटे होते थे तो एक white color के बड़े अच्छे से pods आते थे जिनको हम फूंक भी मारते होते थे and we just do some kind of random things. वो actually cotton के seeds और cotton के पर्ट्स में से निकला हुआ छोटा सा पार्ट होता था. सो हमारा कॉटन कहाँ पर, हमारा बुशेस पे, ट्रीज पे, इन पे पाया जाता है. देन लिनन, कपास, जूट, हैम्प, ये सारे हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं जो हमारे वेजिटेबल फाइबर्स के अंदर इसको कैटेगराइज किया गया है. अदर इज एनिमल फाइबर्स, मीन्स जो फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से. एनिमल्स इज लाइक शीप, आप सबने देखी है गॉड शीप्स, वी सॉ एवरी डे इन आर डे टू डे लाइफ. तो उनकी जो ऊपर वूल होती है, जो हमें कोजी रखने के लिए सर्दियों के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, वो मिलती है फ्रॉम वूल, फ्रॉम शीप्स. एंड सिल्क, द कॉस्टेस्ट फैब्रिक, लग्जेरियस फैब्रिक, सिल्क मोस्ट वी कैन से इज डेलिकेट फैब्रिक, वी गेट इट फ्रॉम सिल्क वॉर्म. हम ये सिल्क वॉर्म के थ्रू हमें मिलते हैं. अदर इज मिनरल, एस्बेस्टर्स एंड सिलिका, दीज आर टू, जस्ट टू फाइबर्स विच वी गेट फ्रॉम मिनरल्स. और ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमें फायर प्रूफ गारमेंट्स बनाने के लिए, फैब्रिक्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं. ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर से हम लोगों को प्रिवेंट करते हैं. सो बेसिकली दीज थ्री कैटेगरीज, वेजिटेबल, एनिमल एंड मिनरल, जो हैं वो हमारे नेचुरल फाइबर्स के अंदर कंसिस्ट करते हैं, जो हमारे चाहे ओल्डर डेज हो या अब का हमारा टेक्नोलॉजी 21st century हो, कोई भी हो, दे आर जस्ट द सेम. ओके, देन मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर, इसके अंदर हमारी दो कैटेगरीज आती है. एक हमारी आती है सिंथेटिक फाइबर्स, एक आती है हमारी रीजनरेटेड फाइबर्स. मीन्स टू से कि हम किन्हीं दो या दो से ज़्यादा फाइबर्स को मिक्स करके उनकी एक साथ ट्विस्टिंग या स्पिनिंग ये करके वो हम अगली अपनी वीडियोस में उसकी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ेंगे. करने के बाद हमारा एक न्यू प्रोडक्ट आ जाता है, डेवलप होता है. ठीक है, लाइक इसके एग्जांपल्स है नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरालीन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक. लाइक फॉर एग्जाम्पल पॉलिएस्टर, कुर्ते पजामों का कपड़ा आप सबने देखा होगा वाइट, जो हमारे फादर ग्रैंड फादर यूज़ करते हैं, वो बेसिकली पॉलिएस्टर फैब्रिक का होता है. 50% कॉटन फैब्रिक होता है, 50% सिंथेटिक फैब्रिक होता है. लाइक उसके अंदर क्रीज नहीं पड़ती, वी डोंट नीड इट फॉर आयरनिंग. सो दिस इज मैन मेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर. नेक्स्ट इज रीजनरेटेड फाइबर. रीजनरेटेड फाइबर्स आर विस्कस रेयॉन, सेल्युलोजिक एसीटेट, दिस टू एंड मैनी मोर. फॉर एग्जाम्पल आर मैनी मोर, जो हमारे रीजनरेटेड है, जिनको हम दोबारा से डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स को मिला के एंड उसको एक नेक्स्ट रेंज डेवलप करते हैं. ओके, सो हेयर इज द फ्लो चार्ट ऑफ फाइबर.
फाइबर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज. हम इस सारे को और ज़्यादा एलेबरेट करके कंप्लीट अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसके बारे में एक एक कंप्लीट स्टेप्स को हम जानेंगे समझेंगे. सो टिल देन वॉच द वीडियो, शेयर, लाइक, कमेंट इफ यू लाइक इट. And for our next video, please update it on KMS Fashion. Thank you.